नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 16 जनवरी पौष माह के मंगलवार की रात चुपचाप फेंक दें, यहां पर एक लॉन्ग जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, हिंदू रीति रिवाजों में, पूजा में, धार्मिक कार्यक्रमों में लौंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको यदि आप करते हैं तो ना केवल आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है बल्कि आपका कोई भी सपना हो वह पूरा होता ही होता है। आपको हम आज लौंग के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपाय को करके ना केवल आप अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते और अपनी परेशानी बताते हैं तो वह आपको ऐसे उपाय बताते हैं जो बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं और बहुत ज्यादा कठिन होते हैं, जिसमें आपका बहुत समय भी व्यर्थ होता है। परंतु आंख यदि आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और लौंग के उन उपायों को समझ लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं तो दोस्तों सच मानिए आपके जीवन की आधे से ज्यादा परेशानी केवल एक लौंग से ही हो सकती है। कोई भी पूजा पाठ हो उसमें लौंग उपाय अवश्य ही होता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि वास्तव में लौंग एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली औषधि है जिसे देवी देवताओं की पूजा में यदि प्रयोग न किया जाए तो कई पूजा पाठ संपन्न नहीं मानी जाती है। माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा होती है उसमें लौंग का उपयोग न किया जाए तो हनुमान जी की पूजा संपन्न मानी ही नहीं जाती है। हमारे हिंदू धर्म में लौंग का उपाय का एक खास महत्व बताया गया है। लौंग जहां पर हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है, दूसरी तरफ बताया गया है कि मैं लौंग का उपाय किया जाए तो हमारी पूजा भी सिद्ध हो जाती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में लौंग को उत्तम स्थान पर रखा गया है। टोना टोटका ये जो होता है इसमें भी लौंग का उपयोग भी किया जाता है ताकि पूजा सिद्ध हो सके। आज इस वीडियो में हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करके ना केवल आप अपने जीवन के हर तरह की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। लौंग का एक सरल सा उपाय करने के पश्चात आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कैसे आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में लौंग का प्रयोग आज से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। लौंग को ना केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा माना गया है बल्कि तंत्र शास्त्र की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि हनुमान जी के सामने किया जाए तो हनुमान जी महाराज का तुरंत ही आशीर्वाद और वरदान मिल जाता है। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता ही चुके हैं कि हनुमान जी महाराज की पूजा में यदि लौंग का उपयोग ना किया जाए तो उनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। आज इस वीडियो में हम आपको वो जानकारियां देने जा रहे हैं जो लौंग से आपको करनी है। लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके जीवन में कैसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, जैसे मान ले आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया था, बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है, आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, आप पैसों की तंगी की वजह से बहुत परेशान हैं, आप कैसी भी परेशानी में पड़े हो, दोस्तों इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको खुद पता चलेगा कि लोन का उपाय करके कैसे आप जीवन की हर इच्छा, जैसे मान लीजिए आप नौकरी चाहते थे कि नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, किसी संपत्ति को आप खरीदना चाहते हैं तो वो संपत्ति हो जाएगी, बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि लौंग का उपाय करके आपको हनुमान जी का वरदान मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद आपके आपके परिवार पर सदैव बना रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, कभी भी आपको किसी भी चीज की कमी ना हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
और यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज आपके घर पर वास करने आए हैं तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए। जय हनुमान जी महाराज की। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट अंत तक देखिएगा। अब जितने भी हम आपको उपाय बताने वाले हैं, इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा, ताकि उपाय करें आप तो उसका लाभ आपको अवश्य ही मिले। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, हम जब भी उपाय करते हैं, लॉन्ग है, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन किए बिना कोई भी उपाय करेंगे आप तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो कौन सा उपाय किस दिन करना है, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति मां उपाय। देखिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, धन आ ही नहीं रहा है, और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन भी आए, जो धन आए बोलूं के भी और रुके भी और के भी, और उसमें वृद्धि भी हो, तो आपको क्या करना होगा? एक बड़ा सरल सा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। ये उपाय आपको लगातार 5 मंगलवार करना है। 5 मंगलवार के पश्चात आपको हनुमान का वरदान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आज का उपाय नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। आपको बस एक काम करना है कि एक डिब्बी लेनी है, कांच के लिए लीजिए, प्लास्टिक के लिए लीजिए, उसको से भर दीजिए। छोटी सी डिब्बी लीजिएगा, ज्यादा बड़ी ना लीजिएगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन होता है। अब आपको मंगलवार की शाम को हनुमान जी के सामने बैठना है। आपके घर पर पूजा करें, जहां पर हनुमान जी की फोटो लगी है, मूर्ति लगी हुई है, वहां पर आपको बैठना है। सूर्यास्त के पश्चात, नहाने धोने के पश्चात बैठी एक पूर्व दिशा में पहले घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा रखिए, लाल कपड़े के ऊपर आप लोगों को एक डिब्बी रखनी है, शीशे की, प्लास्टिक की, जैसी आपकी इच्छा हो, जिसके आधार नमक भरा हो। अब आप लोगों को हनुमान जी का बीज मंत्र बोलना है, वो इस तरह से है, होम रिपीट करते रहना दोस्तों। मंत्र का जाप कम से कम 1001 बार कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इसी डिब्बे में 2 लौंग डाल देनी है। 2 लौंग डालने के पश्चात इसको लाल कपड़े में बांध लेना है और अपनी तिजोरी में, अलमारी में, जहां से भी पैसे का लेन देन करते हैं, रख देना है। अगले मंगलवार को फिर से उस डिब्बे को निकालकर लाए 2 लौंग मंत्र पढ़ने के पश्चात डाल दीजिए। 5 मंगलवार के पश्चात उस डिब्बे में 10 लौंग हो जाएंगी, और इस डिब्बी को अपनी अलमारी में, तिजोरी में रहने दीजिएगा, जहां से आप लोग पैसे का लेन देन करते हैं। देखिए, ये उपाय जो आप करेंगे, इस उपाय को करने के पश्चात आप खुद देखेंगे कि आपके में आर्थिक कष्टों से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में जो पैसा आना बंद हो गया था, पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। जो पैसा आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि भी होगी, और के जीवन में पैसे की फिर आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि यह उपाय एक ऐसा उपाय जिससे साक्षात आपको हनुमान जी का दान मिलेगा। तो दोस्तों, दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है घर की बरकत का महा उपाय। यदि आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? एक उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल का पात्र ले लीजिए। यदि आपके पास ये दोनों नहीं है तो कोई मिट्टी का दिया ले, मिट्टी का कुछ भी ऐसा ले लीजिए जिस पर आप लोग 5 लौंग, 3 कपूर और 2 इलायची चला सके। आपको ये उपाय करना है। शनिवार की शाम को, शनिवार की सूर्यास्त के पश्चात आपको 5 लौंग, 3 कपूर और 2 इलायची जलाना है, और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। अब यह रख जाएगी इन तीनों चीज की, इस राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए, और आप लोग 1 हफ्ता, मतलब लगातार 7 दिन, सुबह नहाने धोने के पश्चात पूरे घर की लगाइए। इस डिब्बे से थोड़ी सी राख निकाल लिए, अपने घर के मुख्य रखिए और घर के मुख्य द्वार पर पानी मार दीजिए। यदि ये उपाय आप लोगों ने 7 दिन लगातार कर लिया, तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति थी, बुरी शक्ति थी, ऐसी कोई शक्ति ने आपके घर पर बांस कर रही थी, जिसके वजह आपके घर का माहौल खराब हो रहा था, आपके घर की बरकत रुक गई थी, उन्नति रुक गई थी दोस्तों, वो आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी, और इस राख की वजह से आप पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। आप खुद इस उपाय को करके देखिए, आपको खुद इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलाने का उपाय।
यदि आपका व्यापार पहले चल रहा था, फिर व्यापार आपका ठप पड़ गया और आप चाहते हैं कि चल जाए, तो यह महा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज का दिन होता है। आपको किसी लाल कपड़े में लेना है 11 लौंग और 5 चक्र। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 11 लौंग और 5 गोमती चक्र, 5 गोमती चक्र किसी भी आपको पूजा घर पर मिल जाएगा। इसको लाल कपड़े में पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का प्रयोग कीजिएगा। हनुमान जी महाराज के मंदिर आपको सुबह से शाम किसी भी समय जाना है। जाने के पश्चात हनुमान जी महाराज के सामने आपको एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है और इसी पोटली को हनुमान जी महाराज के दाएं चरण से छुआ करके आप अपने व्यापार धन स्थान पर रख देना है, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। बस इतना आपको करना है और आप खुद देखेंगे कि इतना करने के पश्चात आपके जीवन में जो दोष लग गए थे, जो परेशानी आ रही थी, जिसके हिसाब का व्यापार ठप पड़ गया था, वह परेशानी वो दोष खत्म हो जाएंगे। या उपाय करने के पश्चात आपका व्यापार वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। अब जो आपको हम उपाय बताने आ रहे हैं दोस्तों को, है मंगल ग्रह को मजबूत बनाने का माह। दोस्तों, जिस मनुष्य का मंगल ग्रह मजबूत होता है, उस मनुष्य का मान के चलिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। उस मनुष्य के जीवन में धन दिशाओं से खींचा हुआ चला आता है। और मंगल ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आपको लौंग का ही उपाय करना होता है। यह हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो मंगल ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन होता है और मंगल ग्रह का जो नियंत्रण होता है वो हनुमान जी के में होता है। आप चाहते हैं कि हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका मंगल ग्रह मजबूत हो जाए, तो आपको क्या करना है? देखिए, मंगलवार के दिन सूर्यास्त से पहले आप लोगों को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के पश्चात किसी भी पीपल पेड़ पे चले जाइए और पीपल पेड़ को एक लोटा जल अर्पित करने के पश्चात उस तरफ, एक तरफ आपको अपनी बाईं तरफ एक लौंग, वहां केवल इतना करना है कि अपनी बाईं तरफ एक लौंग बढ़ा दीजिए और उस पीपल पेड़ की 3 परिक्रमा करके वापस आ जाइए। यह उपाय आपको लगातार 5 मंगलवार करना है। 5 मंगलवार यह उपाय यदि आप कर लेते हैं, वो मान लीजिए जो आपका मंगल ग्रह ग्रह बहुत ही कमजोर हो गया था, वह मंगल ग्रह मजबूत हो जाएगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।